वेलकम बैक टू माय चैनल शुक्ला एटीट्यूड एंड आई एम शुक्ला। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक चीट मील। यस, बहुत ही हेल्दी एंड डिलीशियस चीट मील। तो वो चीट मील क्या है, किस तरह से बनते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बोलना चाहती हूँ कि चीट मील क्या है ये आपको जान लेना चाहिए। हमारे जो डाइट होते हैं उसमें हमें चीट मील क्यों लेना चाहिए ये बहुत ही जानना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम चीट करते हैं तो क्यों करते हैं, अगर वो आपको समझ में आ गया तो समझ लीजिए आप चीट अच्छी तरीके से कर सकते हो। नहीं तो चीट में भी आप कुछ ऐसा खा लोगे कि आपकी जो वेट है मेंटेन नहीं रहेगी। तो चीट मील की रेसिपी क्या है उसके बारे में जानने से पहले आप लोगों को चीट मील क्यों, चीट मील से क्या होता है, हमारे जो हार्मोन्स होती है वो रिसेट होती है। एंड ये जो हार्मोन होती है हमारे जो मेटाबॉलिज्म जो रेट होती है एंड इंसुलिन जो लेवल होती है उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो चीट मील लेने से ये सारी चीज़ ठीक रहती है। एंड चीट मील कुछ इस तरह से होती है कि मानो आप एक कुछ अच्छा काम करते हो, ठीक है, आप कुछ अच्छा काम करते हो एंड अगर कुछ ऐसा मान लो कि आप कुछ इस तरह का काम कर रहे हो कि उसके लास्ट में आपको कुछ मिलेगी, मतलब आपको कुछ रिवॉर्ड मिलेगी, ठीक है। तो चीट मील हमारे बॉडी के लिए कुछ ऐसा है कि हमें इस तरह का 1 month का स्ट्रिक डाइट करना है एंड उसके बाद हमें ये रिवॉर्ड मिलेगी, ये अवार्ड हमें मिलना चाहिए। चीट मील कुछ इस तरह का होती है कि आप स्ट्रिक्ट डाइट पर हो एंड 7 days के बाद हमारे बॉडी को एक रिवॉर्ड देना होता है। इससे क्या होता है, हमारे बॉडी का जो हमारा माइंड जो होती है, माइंड भी हमारा जो है कूल रहती है, हमारा ब्रेन जो है सेटिस्फाइड रहती है। एंड हमें नेक्स्ट आप जब डाइट शुरू करोगे स्ट्रिक्ट डाइट, मतलब हमारा जो डाइट प्लान है, तो वो आप अच्छी तरह से कर पाओगे। नहीं तो कुछ लॉन्ग टाइम तक अगर आप एक स्ट्रिक्ट डाइट पे चलोगे तो वो बहुत ही बोरिंग सा हो जाता है एंड हमारा बॉडी भी हमारा बोर फील करते हैं उस तरह से। एंड हमारा बॉडी ऐसा होता है कि कुछ वेट लॉस के बाद हमारा बॉडी जो है रिस्पॉन्ड नहीं करता डाइट को एंड वेट स्टैग्नेट हो जाती है। तो चीट मील ऐसा है कि आपकी जो स्टैग्नेट वेट है उनको भी ब्रेक करती है। तो इसी तरह से आप जब भी किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हो तो हमारे जैसा कि हमें कुछ मतलब गेम में देखिए, गेम में अगर आप कुछ गेम खेलते हो तो उसमें आपको अवार्ड मिलती है उसको। तो इसी तरह से हमारे बॉडी को भी ये अवार्ड देना होता है कि इसलिए हमारे माइंड जो है सेटिस्फाइड रहते हैं हमारे, और अगर हमारा माइंड जो है वो अगर सेटिस्फाइड हो तो ये जो वेट लॉस का काम है बहुत ईजी हो जाती है। क्योंकि वेट लॉस का पूरा फंडा जो है, पूरा गेम जो है माइंड का है, माइंड से स्टार्ट होती है हमारी वेट लॉस, उसके बाद बॉडी में, ठीक है। तो इस तरह से हो गया चीट मील की हमें बॉडी को रिवार्ड देना होता है। तो चीट मील से हमें साइकोलॉजिकली एक रिलीफ मिलती है। तो आप बात करते हैं चीट मील कैसा होना चाहिए, चीट मील हेल्दी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी खा लिया हो, ऐसा नहीं, हेल्दी होना चाहिए, घर में पका हुआ अगर हो तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। एंड चीट मील को आप कुछ चीट डे नहीं बनाना है एंड जब आप चीट मील लोगे तो पूरी कंसंट्रेशन जो है आपकी उसी तरफ होनी चाहिए क्योंकि फुल एंजॉय के साथ आपको चीट मील लेना है ताकि उसकी हर बाइट्स जो होगी आप एंजॉय कर सको। एंड इसका फायदा यह है कि आप मेंटली सेटिस्फाइड रहोगे चीट मील के साथ। तो फ्रेंड्स ये थी सारी बातें चीट मील के बारे में। तो चलिए आप देखते हैं चीट मील में मैं आज क्या बनाने वाली हूँ आप लोगों के लिए और एंड आप लोगों को सिखाऊंगी। ये चीट मील बहुत ही डिलीशियस है, बहुत ही यम्मी है। ये चीट मील जो है आपको ब्रेकफास्ट में लेना है या फिर लंच में लेना है, उसके बाद जो पूरा डाइट है वो भी मैं बताऊंगी। तो फिर चलिए। तो फ्रेंड्स इस चीट मील में हमें चाहिए सूजी, बहुत ही हेल्दी होती है ये सूजी का ऑप्शन। तो हम लेंगे सूजी एंड उसके साथ हम मिक्स करेंगे अनस्वीटन्ड कर्ड। सूजी एंड कर्ड का जो रेशियो है यहाँ पर 1:1, मतलब 50-50 होना चाहिए। तो पहले हमें ये कर लेना चाहिए, सूजी एंड जो अनस्वीटन्ड कर्ड है उसको हमें मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद
उसको हमें रख देना है कुछ टाइम के लिए, अबाउट 20 to 30 मिनट्स के लिए हमें रखना है इसे। उसके बाद हमें बाकी सारा जो प्रोसेस है वो हम करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिया है सूजी एंड कार्ड, ये घर में बना हुआ कार्ड है, मैं हमेशा ही यूज़ करती हूँ घर में बना हुआ कार्ड। आप चाहो तो मार्केट का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो मीठा नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों को हम मिक्स कर देंगे एंड उसको रख देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि पूरी तरह से सूजी जो है वो कार्ड में मिक्स हो जाए। एंड ये एक ऐसी हेल्दी डिलीशियस चीट मील है जो आप घर में सबके लिए भी बना सकते हो, बहुत टेस्टी भी है एंड सब अच्छे मज़े से खा लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर मिक्स कर लिया है, कुछ इस तरह का थिक कंसिस्टेंसी में आएगा ये, एंड उसको आप रखना है थोड़ी 20 to 30 मिनट्स के लिए। उसके बाद हमें क्या करना है देखिए, यहाँ पर मैंने ले लिया है चॉप्ड ऑनियन, कैप्सिकम, ग्रेट किया हुआ गाजर, जिंजर एंड दो बॉयल पोटैटोज। आप ये जो पोटैटोज मैंने लिया है इसकी जगह पर जो स्वीट पोटैटोज होती है वो भी ले सकते हो, मेरे पास नहीं था तो मैंने नॉर्मल पोटैटोज ही ले लिया। मैंने कढ़ाई पर दिया है थोड़ा सा मस्टर्ड सीड एंड आप ये जो वेजिटेबल्स है इस वेजिटेबल की जगह कुछ और वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हो। दिया है क्यूमिन सीड्स एंड सारे जो वेजिटेबल्स है वो एक के बाद एक मैं दे दूंगी। कुछ ज़्यादा नहीं पकाना है हमें, जस्ट हल्का सा ही पकाना है कुछ इस तरह से, एंड उसको हम कढ़ाई में पकाएंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। आप चाहे तो कुछ भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से, लेकिन एक बात का याद रखना, ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ करना है एंड ज़्यादा पकाना भी नहीं है हमें। आप अपने हिसाब से सॉल्ट एंड जो भी स्पाइसेस होगी वो दे सकते हो। यहाँ पर मैंने जो बॉयल किया हुआ पोटैटोज है उनको मैस्ट कर लिया है ताकि कोई लम्स ना रहे, अच्छी तरह से मैस्ट करना है एंड उसके बाद हमें सारे का सारा जो पोटैटोज है वो कढ़ाई पर दे देना है एंड अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है वेजिटेबल्स के साथ, अच्छी तरह से मिक्स करना है क्योंकि इसी से हम जो उसका अंदर में जाएगा वो बनाएंगे। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लिया मैंने यहाँ पर, देखिए मिक्स करने के बाद अब हमें इसको ठंडी कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको कूल कर लिया है, ठंडी हो गई है पूरी तरह से। अब इसका इस तरह से डो बनाएंगे, मतलब राउंड वाला डो नहीं, कुछ इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से हाथों की मदद से बनाएंगे कुछ इस तरह की। आप जितने लोगों के लिए बनाना चाहते हो कुछ उस तरह से बनाएगा, इस तरह से ये बन जाएगा इजीली। यहाँ पर मैंने देखिए 3 सेपरेट डो कर लिया है एंड इसको अब मैं शेप दूंगी, कुछ इस तरह से शेप दूंगी। तो यहाँ पर देखिए डो हमारा बन गया है। आप हम बनाएंगे सूजी का जो मिक्सचर है उसको हम तैयार करेंगे, उस पर हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी एंड उसके बाद हम एक एक करके डालेंगे 1 टीस्पून की करीब बेकिंग सोडा एंड अपने स्वाद के अनुसार इसमें सॉल्ट। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, पानी आप अपने हिसाब से डालना, मैं जिस तरह से दिखा रही हूँ आपको कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, थोड़ा लिक्विड भी चाहिए और थोड़ा गाढ़ा भी, मतलब मीडियम, आप देख लेना। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है एंड ये जो मिक्सर है आप देखेंगे फूल जाएगी, धीरे धीरे ये फूलने लगेगी। तो पानी मिलाते जाना है, ज़्यादा पानी एक साथ नहीं देना है क्योंकि नहीं तो ये बहुत ही लिक्विड हो जाएगी एंड उसके बाद ये ठीक तरह से नहीं बन पाएगी। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है छोटा सा ग्लास, आप कोई सा भी ग्लास ले सकते हो, बड़ा वाला भी ले सकते हो। तो मैंने इस ग्लास के अंदर में ऑयल ब्रश कर दिया है, अब मैं उसमें डालूंगी ये मिक्सचर एंड उसके बाद ज़्यादा नहीं डालना है,
ग्लास की 30% तक आप इसको डालना है और उसके बाद मैंने यहाँ पर जो डो बनाया है उसको रख लूँगी। उसके बाद मैं ये जो मिक्सर है आप दूँगी। पूरे ग्लास को आप नहीं मतलब नहीं भरना है, नहीं तो ये बाहर आ जाएगी। जब हम इसे पकाएंगे तो ये बाहर आ जाएगी। कुछ इस तरह से आपको भरना है। अब हम इसको बॉईल करेंगे, मतलब वेपर में रख लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर बर्तन में पानी लिया है, उसको उबलने के लिए रखा था मैंने, उबल गया है। आप उसमें डाल देंगे ये, आप ऊपर से ढक देंगे। ये डो जो है हमें ग्लास की ऊपर से दिखना चाहिए। आप हमें इसको करीब 30-35 मिनट्स के लिए रख देना है एंड बीच में एक बार चेक करेंगे कि बना हुआ है या नहीं। देखिए ये फूल गया है पूरी तरह से। आप एक नाइफ की मदद से चेक कर सकते हो, लेकिन साइड में चेक करना, बीच में नहीं, क्योंकि हमारा जो डो है वो बीच में है, इसलिए इस तरह से चेक कर लेना है एंड उसके बाद आप 30-35 मिनट्स के बाद ये रेडी हो जाएगी। बहुत ही हेल्दी है एंड बहुत ही डिलीशियस भी है। इस चीट मील को आपको लेना है ब्रेकफास्ट में या फिर लंच में। उसके बाद पूरे दिन में आप अगर ब्रेकफास्ट में लेते हो तो लंच में आप ले सकते हो कोई वेजिटेबल सैलड, या फिर आप राइस अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो ब्राउन राइस। नाइट में आपको लेना है कोई सा भी सूप या फिर पनीर या फिर टोफू। पनीर भी लो फैट होना चाहिए। देखिए मैंने यहाँ पर निकल लिया है ये जो बना हुआ था। अब इसको हम स्लाइस कर लेंगे। इस तरह से बन गया है, तो बहुत ही हेल्दी है एंड डिलीशियस भी। तो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर एंड कॉमेंट। You can follow me on Instagram and also in Facebook. Thanks for watching. Bye.